नंबर। तो यहाँ ये इनवर्स वाला यू हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू में एक्स आपका भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, देखें डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डी एक्स। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। चलिए अब देखते हैं, यहाँ टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, ऊपर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और नीचे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ एक घटा रहे हैं और एक जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक घटा रहे हैं और एक जोड़ने का काम कर रहे हैं, सॉरी माइनस में न करना होगा, एक जोड़े हैं एक घटा दिए हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में, इसको काटेंगे तो फिर यही आ जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, यहाँ पे अलग अलग करते हैं, वन बाई रूट अंडर वन है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ, और एक बार माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं ना, समझ गया ना। अब देखिए, अब देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, इसमें से भाग हुआ तो रूट में बच जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस वन बाई टू अलग अलग गुना कर दिए रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे ना हमें फॉर्मूला लगाना होगा, एक्चुअल में रूट अंडर ये वन वन का स्क्वायर होगा, तो एक्चुअल में एक हम फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जिसके बारे में अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हम अभी ये जानते नहीं है इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे तो ये प्रयोग करेंगे तो तुरंत बन जाएगा, तुरंत दो लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, लेकिन हम यहाँ ये प्रयोग नहीं करने वाले क्योंकि मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया ही नहीं है। अब आगे आप सीख लोगे तो यहाँ पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे प्रयोग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट पुट करके ही बनाऊंगा। चलिए तो पुट करके ही बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, पुट करके ही बनाते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो ये तो फॉर्मूला ही हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको पहले लिख लो वन बाई टू, ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, और माइनस वन बाई टू रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे मैं अलग से बनाता हूँ, हम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पुट करते हैं एक्स के जगह पर साइन थीटा, ठीक है, चलिए तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बटा में डी थीटा क्या आ जाएगा, साइन का यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यानी कि डी एक्स बराबर में आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। चलिए यहाँ पे आते हैं रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स का आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं इंटीग्रेशन, इसका क्या आ जाएगा कॉस एक्स कॉस थीटा, और यहाँ पे पहले से एक कॉस थीटा है भी, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगले स्टेप में दो से भाग दो से गुना करते हैं, वन बाई टू टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, वन बाई टू यहाँ टू कॉस स्क्वायर थीटा का वन प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वन बाई टू इसका आ जाएगा थीटा, और इसका आ जाएगा कॉस का साइन टू थीटा बाई टू, यही ना होगा, और प्लस में सी। चलिए अब देखते हैं वन बाई टू अंदर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, अच्छा इसे मैं टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और बटा में टू प्लस सी, तो टू से टू कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी अभी रहने दो, अगले स्टेप में पुट कर लें, एक ही साथ सबको पुट किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से अच्छा रहेगा। चलो ये माइनस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ थीटा है। चलो अब देखते हैं वन बाई टू थीटा प्लस साइन थीटा, और इसके रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना, और प्लस में सी। अब चलिए यहाँ पे रख देते हैं वन बाई टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा की जगह पे साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स प्लस इसके जगह पे एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब चूंकि हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था आपका क्या था, एक्स कॉस इनवर्स एक्स ना, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, यही ना था आपका। चलिए, और इसका हमने लाया है ऊपर, यहीं पे लाए हैं हम लोग, यहाँ पे देखो यही ना लाए हैं ऊपर, ये रहा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। चलिए इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस प्लस क्या है, प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस वन बाई टू रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही ना था आपका। चलिए तो क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, यहाँ पे इसके जगह पर क्योंकि यही ना आया है, इसका इंटीग्रेशन करने पे ही आया है, तो लिख देता हूँ वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसमें इंटू करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना होगा। चलिए देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ इंटू करते हैं तो माइनस का एक बट्टा चार साइन इनवर्स एक्स और माइनस का एक बट्टा चार एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही ना आएगा आपका। ये तो अब ये इसमें से घटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें से इसको घटा देते हैं, घटेगा ना जी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस वन बाई फोर एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला।